बायोलॉजी क्लासेस विद छोटे लाल चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के वीडियो में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अध्ययन करेंगे। फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञात है, अंगुली छाप या अंगुली के निशान का यूज आइडेंटिक रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ही नाम से एक टेक्निक होती है जो डीएनए के द्वारा व्यक्तियों की पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग जीवधारियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका अत्यधिक प्रयोग अनेक अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार इत्यादि अपराधों का पता लगाने हेतु किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग पैटर्निटी टेस्ट में भी किया जाता है। अर्थात जब समस्या आती है, कोई पिता किसी बच्चे को स्वीकार नहीं करता है, माता कहती है कि ये इन्हीं का लड़का है, उस स्थिति में वास्तविक पिता का पता लगाने के लिए, वास्तविक संबंध का पता लगाने के लिए इसके पिता और माता कौन है, पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है। जिस प्रकार पहले व्यक्तियों के पहचान के लिए परंपरागत रूप से अंगुली के चिन्ह प्रयुक्त किए जाते थे, इसी प्रकार से वर्तमान समय में इसका स्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने ले लिया है। अलग अलग मानों में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस विधि की खोज एलेक्स जेफ्री नामक वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों ने सन 1985 में किया था। वर्तमान समय में इसे अब व्यापक कानूनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक लेबोरेटरी टेक्निक अथवा केमिकल टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के डीएनए के मेकअप का पता लगाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के गुणसूत्र का 99.9% भाग समान होता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या उनमें समान होती है, गुणसूत्रों में समान गुण पाए जाते हैं, लेकिन 1% भाग डिसिमिलर होता है, समान नहीं होता है, और यह डीएनए का एक छोटा खंड होता है जिसे सैटेलाइट गुणसूत्र कहते हैं। इस सैटेलाइट गुणसूत्र में रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं, अर्थात इसके अंदर नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इनका एक रिपीट सीक्वेंस होता है। ये बार बार इसके नाइट्रोजनस बेस के अनुक्रम को दोहराते हैं, अर्थात जैसे AGCT, 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 अगर बेसिस का क्रम है तो उनको ये 5 बार, 10 बार, 100 बार दोहराते हैं। ये विशेष डीएनए के खंड होते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम का डीएनए दो भागों में विभाजित किया जाता है, फर्स्ट को माइक्रो सैटेलाइट और सेकेंड को मिनी सैटेलाइट कहते हैं। माइक्रो सैटेलाइट में प्रायः 2 से 6 बेस पेयर पाए जाते हैं, और देखा गया है कि इनमें प्रायः एडनिन थायमिन के बेस पेयर 2 से 6 की संख्या में जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसमें 10,000 से 1,00,000 तक रेपिटेटिव बेस पेयर्स पाए जाते हैं। मिनी सैटेलाइट, इस भाग में 10 से 100 बेस पेयर पाए जाते हैं, और प्रायः ग्वानिन साइटोसिन के बेस पेयर पाए जाते हैं, और इसमें 500 से 30,000 तक रेपिटेटिव सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट खंड का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का पृथक्करण करना। सेकेंड, क्लीविंग ऑफ डीएनए, डीएनए को काटना।
थर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोर्थ बाइंडिंग ऑफ प्रोब्स विथ VNTRS और फिफ्थ को फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को पृथक करना। इस प्रक्रिया के प्रारंभ में प्राणी के डीएनए को ब्लड, हेयर रूट, बाल की जड़, त्वचा, सीमेन या वीर्य, वेजाइनल फ्लूड्स, योनि द्रव तथा विघटित कंकाल से भी सबसे पहले पृथक कर लिया जाता है। डीएनए पर कई स्थानों पर छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं जिसे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहते हैं, अथवा विशेष स्थान होते हैं जिन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं। इन्हीं के कारण हर प्राणी का डीएनए एक दूसरे से भिन्न होता है। इन विशिष्ट स्थानों में डीएनए के छोटे भाग जिसे जंक डीएनए कहते हैं एक दूसरे के बाद क्रम से लगे हुए होते हैं। क्लीविंग ऑफ डीएनए, डीएनए को काटना। डीएनए को विशिष्ट स्थानों जिसे पैलिंड्रोम्स कहते हैं यहाँ से डीएनए को काटा जाता है और डीएनए में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है। इस क्रिया द्वारा डीएनए के अलग अलग आकार के छोटे बड़े खंड पृथक हो जाते हैं। इन खंडों में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड चेन की कहीं कहीं पुनरावृत्ति या रिपीट होती है। इन्हें VNTRS या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग इस फ्रेगमेंट को देखेंगे जिसमें CTA पांच बार रिपीटेड सीक्वेंस है, दूसरे में 6 रिपीट्स हैं, तीसरे में 7 रिपीट्स हैं। इस प्रकार VNTRS हमको रिपीटेड सीक्वेंस में कई प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा स्टेप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अब डीएनए के खंडों को जो VNTRS होते हैं इन खंडों को एगारोस जेल पर रखा जाता है। यह वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी होती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाते हैं और आकार के आधार पर भी डीएनए के खंडों का पृथकीकरण हो जाता है। इस क्रिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस क्रिया में डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों की अपेक्षा जेल में तेजी से अलग हो जाते हैं। इस क्रिया में एनोड की ओर डीएनए के छोटे छोटे खंड तेज गति से आगे की तरफ बढ़ते हैं और जिस पर छोटे छोटे प्लेट या पट्टियों के रूप में इस पर एक फिल्म का निर्माण करते हैं। अब चौथी प्रक्रिया बाइंडिंग ऑफ प्रोब्स विथ VNTRS। डीएनए के अलग किए गए खंडों को अब फिल्टर पेपर द्वारा जेल से पृथक कर लिया जाता है। इस फिल्टर पेपर को कुछ रसायनों के संपर्क में ले जाता है जिससे डीएनए अणु के दोनों सूत्रों के बीच का हाइड्रोजन बंध टूट जाता है और दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। अब एक सूत्री डीएनए को विशेष रूप से तैयार किए गए रेडियो एक्टिव पदार्थ से चिन्हित एक सूत्री डीएनए जिसे प्रोब कहते हैं इसका प्रयोग किया जाता है और इस VNTRS में प्रोब को मिला दिया जाता है। अर्थात एक सूत्री डीएनए में जो भी बेस पेयर्स होते हैं जैसे AGCT, तो इसमें इसी प्रकार के प्रोब्स मिला देने पर ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन जाते हैं। इस प्रकार ये प्रोब्स इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि ये डीएनए की VNTRS श्रृंखला के साथ बेस पेयर बना सकें। इस प्रकार एक प्रोब डीएनए की पुनरावृत्ति रिपीट VNTRS श्रृंखला के साथ जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि डीएनए खंड में 3 VNTRS हैं तो उसके साथ 3 प्रोब जुड़ेंगे क्योंकि सभी कोशिकाओं के
डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रम नहीं होता। अधिकांश खंडों के साथ प्रोब्स जुड़ नहीं पाते हैं। प्रोब्स उन्हीं खंडों के साथ जुड़ते हैं जो VNTRS के एक सूत्री श्रृंखला बनी होती है। अंत में डीएनए खंडों जिसे प्रोब्स कहते हैं, इस प्रोब्स को एक्सरे फिल्म पर लिया जाता है और रेडियो एक्टिव डीएनए से निकली रेडिएशन के कारण ही एक्सरे फिल्म पर चिन्ह आते हैं। इस फिल्म में सफ़ेद व काली पट्टियां बन जाती हैं। काली पट्टियों का यह विशिष्ट क्रम बैंडिंग पैटर्न होता है और इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। यह डीएनए का बैंडिंग पैटर्न आजकल के बार कोड की तरह से ये ब्लैक एंड वाइट सीक्वेंस में कहीं कहीं अधिक कहीं कहीं कम होता है। चूंकि अलग अलग प्राणियों का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, एक प्राणी की सभी कोशिकाओं के डीएनए में यह प्रिंट समान होता है। अधिक निकट संबंध रखने वाले प्राणियों में डीएनए प्रिंट में अधिक समानता होती है। संतानों में कुछ डीएनए खंड जिसे पैलिंड्रोम कहते हैं माता के समान होते हैं, जबकि कुछ खंड पिता के समान होते हैं। फोरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिपोर्ट के प्रमाण आज भी न्यायालयों में मान्य होते हैं, अर्थात फोरेंसिक रिपोर्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मान्यता प्रदान करता है और इसके रिपोर्ट को आज कोर्ट भी मान रहा है।